देखिए मजे की बात, हम हिंदू कितने पागल हैं, हमसे इंटेलिजेंट इस्लाम मुसलमान है कि आपको मदरसा जाके कुरान पढ़नी पड़ेगी शुरू बचपन से। हमारे क्या कहते हैं, बेवकूफ बुढ़ापे में पढ़ियो, पूरे जीवन भर पापमय जीवन जीजियो, फिर बुढ़ापे में इसको पढ़ियो जब पढ़ने लायक नहीं रहेगा तो, क्योंकि इतने पाप कर चुका होगा कि ध्यान रखना, अगर बहुत पापी व्यक्ति होता है प्रभु जी उसको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। बताया क्या बताया था, आहार से क्या होती है, शुद्ध आहार से ब्रेन की टिश्यूज सही होती हैं, जिससे मेमोरी बड़ी अच्छी हो जाती है, इंटेलिजेंस अच्छी होती है, परंतु इतना पाप कर चुका होता है कि बुढ़ापे में देखा नहीं सटे आ जाते हैं यात्र, 99% सटे आ गए, क्योंकि इच्छाएं थी पूरी नहीं हुई प्रभु जी, बहरा जाता है पागल की तरह। फिर वो अनाश्रम डोनेशन भी करता है कि पहले तू पाप कर, कार्टून करके पाप रुकवा, फर्स्ट लीड अ सिनफुल लाइफ, देन आई विल ट्राई टू सी दैट यू लिव, Why do I live again? Create more sin, और पाप के लिए, यह है जीवन। तो कब पढ़ाना चाहिए प्रभु जी, रूल्स एंड रेगुलेशन, बच्चे को कह दो तू एक काम कर, गाड़ी चलाना ना पहले तू ऐसी चला, बाद में जब तू रोड पे दो चार दस को मार देगा फिर तेरे को सिखाएंगे गाड़ी चलाना, जब तू अंदर होगा ना जेल में तब तेरे को गाड़ी चलाना सिखाएंगे। बताइए इससे मूर्ख हिंदू हो सकता है? क्रिश्चियन चर्च जाता है बाइबल उसको सुननी पड़ती है, अगर प्रवचन चल रहा हो मन तो अगर बच्चा कह भी दे ना तो सुने, चल चल जल्दी कर दर्शन कर, चल अब चलना है टाइम हो रहा है पिक्चर का, क्योंकि रास्ते में मंदिर जाया करते हो, कोई मंदिर जाने के लिए मंदिर नहीं जाते कि जी ये काम करते हैं उधर जा ही रहे हैं, साथ मंदिर भी होते हैं।